हेलो दोस्तों, सुप्पी के डायरी में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूँ उन सब के लिए जो अपने घर की पहली चीज़ जब अपने पैसों से ख़रीदते हैं तो वो जो खुशी होती है उसका अलग ही बात होती है। तो आज हमारी फैमिली ने एक नया मेंबर ऐड करने के लिए अपनी फैमिली में हम आए हैं और मैं आपको घूम के दिखाता हूँ कि हम कहाँ पर आए हैं। तो हम आए हैं एम जी के शोरूम और ये हमारे घर की पहली कार होने वाली है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पीके डायरी में बने रहिए और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में मैं एम जी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाने वाला हूँ और उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होएगी जिन्होंने अपनी एम जी एस्टर बुक की है और वो वेट कर रहे हैं कि कब उनकी डिलीवरी हो। और उससे रिलेटेड इनपुट के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें, पीके डायरी को, और मेरे साथ बने रहिए। चलते हैं हम अपनी छोटी सी नई घर की मेंबर को लेने के लिए। तो ये पिताजी हैं सामने, और कैसा लग रहा है आपको अपने घर की पहली कार लेते हुए? तो बोलिए कुछ व्यूअर्स को बताइए। तो अभी हमारी कार सामने आप देख सकते हो, वो लाल सुंदर दुल्हन की तरह सजी हुई है, रखी हुई है, और हमने एम जी एस्टर का स्टाइल वेरिएंट लिया है। ये उसका टॉप वेरिएंट है ब्लैक कलर में। आप देख सकते हो कि इसकी भी एलिगेंस टोटली अलग है, बट दोज हु प्रेफर ब्लैक कलर कैन गो डेफिनेटली फॉर इट, बट इसको थोड़ा ज़्यादा केयर देना पड़ता है। और हमने जो लिया है, हमने लिया वाइट कलर, वो दिखाते हैं आपको। ये एम जी पटियाला का शोरूम है और यहाँ पे आप ऑन रोड मिलेगा पटियाला हाईवे पे, और ये यहाँ पे बड़ा सा लोगो है, काफ़ी अच्छा शोरूम है। चलिए लेके चलते हैं आपको अंदर। तो हमारी दुल्हन सामने तैयार है, लाल कपड़े में सजी हुई है। वो मेरा भाई वो सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर चुका है और हम बस इसका वेट कर रहे हैं कि कब इसके ऊपर से पर्दा हटे और ये पहली झलक आप सबको दिखाए। तो वो सारे एमजी के क्या कहते हैं कलीग्स हैं, काफ़ी अच्छे से उन्होंने रिसीव किया है, भैया ने पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क कराया है, और बस थोड़ा सा टाइम है उसके बाद चलते हैं। क्या कर रही हो मैं जी? और आयुष कैसा लग रहा है कार शोरूम में आके अपनी फर्स्ट कार लेके? आपको मम्मी जी, तो जो हम कार ले रहे हैं उसी की मम्मी पजल बना रही है। देखते हैं कार डिलीवरी होने से पहले प्लस पजल बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। यहाँ पे मम्मी और बिल्ला अपने में लगे हुए हैं, बड़ा स्ट्रगल हो रहा है इनको ये कार पजल सेटल करने में। तो कितना टाइम और लगेगा तुम्हें? उससे पहले तो हम कार लेके घर चले जाएंगे जब तक आपका ये तैयार होगा। तो खुशी अलग ही है चेहरे पे जब घर की पहली कार आती है, तो उसका अलग ही मज़ा होता है। और क्या कहते हैं, बाकी देखते हैं पेरेंट्स का रिव्यू कैसा है। और काफ़ी अच्छा है, इसे हमें अटेंड किया गया। और गौरव आपका क्या कहना है? सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर लिया ये भाई मेरे को, अब आने वाली 4-5 वीडियोज़ में आपको पूरा वॉक थ्रू देगा, स्पेसिफिक डिटेल से लेके एवरीथिंग, क्या कॉस्ट पड़ी, हमने क्या क्या एक्सेसरीज ली, वो सारी डिटेल गौरव आपको देगा। ये मेरे आने वाली 4-5 वीडियो में होने वाला है। और ये फादर जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये स्टाफ है, स्टाफ लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया। तो आप एमजी को ज़रूर अपना प्यार दें, और अगर आपको पसंद है एमजी की गाड़ियाँ तो ज़रूर आइए, और इस पे भी ये ट्रस्ट हम बिल्ड कर सकते हैं। चलिए आपको गैरेज में लेके चलते हैं, पीछे की तरफ है। इनका जो शोरूम है वो काफ़ी अच्छा है, पूरा लंदन वाला लुक दिया हुआ है, यूके से है, और काफ़ी अच्छी थीम पे है, रेड एंड ब्लैक। तो ये पूरा इनका शोरूम है, यहाँ पे पूरा सर्विस सेंटर है, पूरा सारी मशीन्स वगैरह यहाँ पे लगाई हुई है, आई थिंक वो गाड़ी प्रिपेयर हो रही है, और सारे स्पेयर पार्ट्स, स्पेशल टूल, स्क्रैप रूम, एवरीथिंग इज़ देयर। सो काफ़ी बड़े शेड में बनाया हुआ है। तो एमजी पटियाला का शोरूम में मैं अभी हूँ पंजाब में, और आई थिंक पटियाला में है, अमृतसर में है, चंडीगढ़ में शोरूम है। तो अगर आप पटियाला के आसपास रहते हो तो आप आ सकते हो। तो मैं अभी हूँ एमजी के पीछे वर्कशॉप में। तो जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं पहले यहाँ पे डिलीवर होती है, डिलीवर होने के बाद उसको प्रिपेयर किया जाता है यहाँ पे, जो भी उसके स्पेयर पार्ट्स ऐड करने हैं, एक्सेसरीज ऐड करनी है, वॉश होती है, इंस्पेक्शन करते हैं लोग।
फाइनली हमने डिलीवरी ले ली है और हमारे लिए मैम केक लेके आ चुकी हैं। तो होम डिलीवरी जब हम होम विजिट करते हैं ना, ये कब देते हैं, लेकिन यू आर सो फार फ्रॉम अस, इसलिए वहाँ पे पूछा जाएगा कि होम विजिट हुआ था। थैंक यू। तो बड़ा वार्म वेलकम मिला हमें एमजी की तरफ से, एंड टू ऑल दोज फैमिली हु इज गोइंग टू बाय देयर न्यू कार, अ वेरी वेरी हैप्पी। और पिताजी अपनी कमांडिंग सीट लेते हुए, तो और यहाँ पे माता जी ने अपनी कमांडिंग सीट ली। तो हमारे घर के डॉन साहब और मालकिन जी अब अपनी सीट ले चुके हैं और गेट लगाते हुए। सॉरी, सो वेरी थैंक्स टू मैम, आपका नेम गुरजीत मैम आपका, सो वेरी थैंक टू गुरजीत एंड शबनम मैम फॉर गिविंग सच अ हॉस्पिटैलिटी, एंड बिल्ले को छोटा गिफ्ट मिला एमजी की तरफ से, तो खुश हो जाए। पंडित जी के चरण कमलों से चरण कमल लगते हुए जय श्री राम। काम दम मोक्ष ओंकाराय नमः नमः ओम गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपितजंबू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोलिए श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयः कदीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वति प्रदिशा सन्तु मयम् विष्णोरराटमसि विष्णो स्नपत्रिस्तु विष्णो स्यूरसि विष्णो धर्वोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता। तो हमारी दुल्हनिया का पंडित जी के द्वारा पूजा होते हुए, और अब हमें कोई टेंशन नहीं है। ये हिंदू रीति रिवाज है कि आप जब भी कोई घर में नई चीज़ लेके आते हो तो भगवान के द्वार में आपको उसको लेके आना चाहिए, और पंडित जी ने अपना काम पूरा किया और हम हैं अभी बालाजी के मंदिर में सब संकट मोचन हरने वाले। ओम ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्ने आशुभ इमाय रुद्राय तवसि तपर्दिने कैद्विराय प्रवरामहे मते यथा शमश द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् एतं ते देव।
हृदयं तामो प्रतिष्ठ एक वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रीति येन यजन्ति सर्वमेव। मम्मी अब तो आपकी दुल्हनिया की सारी नजर उतर गई, कैसा लग रहा है आपको? अब तो इसकी मुंह दिखाई करा सकते हैं हम, ठीक है? तो ये हमारे घर का छठा मेंबर है और इसके बाद अब शुरू हो जाएंगे। बिल्ले तेरे को कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। और आपको भाजी? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और बोलो बहुत अच्छे के अलावा। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और इसी तरह पीके डायरी पे आप अपना प्यार बरसा के रखिए और आने वाले टाइम में आपको इस सीरीज से रिलेटेड और वीडियोस देखने को मिलेगी। तो इससे इंफॉर्मेशन चले, तो पीके डायरी को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।